तो केसरिया में तुम्हारा ससुराल था जी। केसरिया से कैसे गई थी? ऐसे ही उनको पता नहीं, बाहर निकल के बैठे तो कहते थे झगड़ा करके, पता नहीं उसमें रुक गया नहीं, कुछ पता नहीं कैसे पहुँचे वहाँ, कुछ मालूम नहीं। तो फिर पति पर हत्या के कैसे इंजाम में जेल भिजवा दी? मालूम नहीं, मम्मी कर दिया गलती से। मम्मी गलती से कर दिया? तो तुम थाना अध्यक्ष महोदय को नहीं बताई कि हमारा हत्या नहीं हुआ है? क्यों, फंसाने का साजिश था? नहीं, 10 दिन पहले ये केस आया था केसरिया में, जिसमें कि जो विवाहिता थी उसके माता पिता ने ये शक किया था कि उसको दहेज के लिए मार करके गायब कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल FIR दर्ज करते हुए वहाँ पर छापामारी की गई थी, जिसमें उसके पति को जेल भेजा गया था। लेकिन हमें संदेह हुआ था और हम लोगों ने इसमें टीम बना करके जाँच करनी शुरू करी, तो इसमें पता चला कि विवाहिता जीवित है और उसे जालंधर से सकुशल बरामद कर लिया गया है और उसे यहाँ लाया जा चुका है। अब माननीय न्यायालय में हम लोग उसे गवाही करा करके आगे की कार्रवाई करा रहे हैं। इसमें निर्दोष पति पर हम लोग जो है उसको छुड़वाने का काम भी करेंगे, ताकि न्याय हो सके और कोई निर्दोष इसमें ना फंसे। आवेदन करने वाले उसके पिता पर भी कार्रवाई होगी सर? ये माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाया जाएगा और उनके निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी।